पप्पू यादव रॉन्ग डायल कर दिए। अभी तक हमको हम लोग बहुत मानते थे। रूढ़ी जी के दामाद ने इनको क्या लिखा है वो दिखा, संभाल के रहिए अपने दामाद। अभी मैसेज किया है, हिसाब से रहिए, मैं ख्याल रखिएगा अपना। रूढ़ी जी के अभी शादी हुई है, दामाद अबरी देवी जी से मिल करके 7 दिनों के बाद पंकज पाल डीएम का ट्रांसफर रूढ़ी जी ने करवा दिया। ये क्या सांठगांठ, अशोक सिंह, दामोदर सिंह और देवी तीनों की जमीन का 1 रुपया नहीं दिया गया। 2002 में रूढ़ी साहब का सारा एम्बुलेंस डीएम पंकज पाल ने उठा के ले गए थे, क्योंकि रूढ़ी साहब के एम्बुलेंस के बारे में पाल साहब ने साफ लिखा है, आज अखबारों में कई सोशल मीडिया पर लिखित क्लियर है कि उन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस निजी कामों में लगाए जाते हैं और ये ऑथोरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने लगा ली। अंत में राबड़ी देवी जी से मिलकर के 7 दिनों के बाद पंकज पाल डीएम का ट्रांसफर रूढ़ी जी ने करवा दिया। हम उसकी भी जांच चाहते हैं कि क्या सांठगांठ, 7 दिनों के अंदर पंकज पाल का क्यों हुआ ट्रांसफर। नमी चीज, जो सरकारी पैसे से खरीदे गए एम्बुलेंस उसमें ऑक्सीजन था लगा हुआ, जीपीएस था, सारी चीजें भेज दी गई, उनके लोगों ने एक भी ऑक्सीजन नहीं है, जांच करा लीजिए आप, एक भी ऑक्सीजन, एक भी ऑक्सीजन। और जब से नीतीश कुमार जी की शराबबंदी हुई है, एम्बुलेंस से शराब ढोए जा रहे, गांव गांव शराब पहुंचे जा रहे, गांव गांव। जो बालू का ढोया हुआ है वो उनके घर के आगे का है, जांच कर लीजिए, इसका रोड जांच कर लीजिए, घर को जाके देख लीजिए। हम देश के सारे पत्रकार और वर्तमान जज से इंक्वायरी की मांग करते हैं। ये जिस जहां पर वो खोले प्रशिक्षण केंद्र, जमीन मालिकों का कागज है, ये जमीन मालिकों का कागज है, अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया गया। उम्रावती देवी, ये कागज आप लोग को अभी हम भेज देंगे, उस पर स्किल, ये कंपनी है, इसी कंपनी के नाम से स्किल बना, ये कंपनी उनके निजी आदमी का है, सारे पैसे उनके कंपनी ने उठाए, जो बंबई के प्रभारी थे और बंबई से ही लाया गया। यह है अशोक सिंह और एक है दामोदर सिंह। अशोक सिंह, दामोदर सिंह और देवी तीनों की जमीन का 1 रुपया नहीं दिया गया। ये मेरे पास कागज है, इसकी इंक्वायरी मैं चाहता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूरी जांच चाहता हूं, वर्तमान न्यायाधीश से, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जांच चाहता हूं कि पंकज पाल डीएम 2002 के बाद जब एम्बुलेंस ले लिए तो फिर रूढ़ी जी के पास एम्बुलेंस कैसे गया। उस एम्बुलेंस का जीपीएस से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर कहां गया, और इतने दिन ड्राइवर को किसने तनख्वाह दी, और बालू भरने वाला वो जगह रूढ़ी जी के घर के आगे का है, वो जांच अभी करिए और एफआईआर लॉन्च करिए।
पप्पू यादव जब गए थे मेरे साथ, मनीष वहां थे मेरे साथ, पत्रकार वहां थे, जिन लड़कों ने केस किया है मैं मांग करता हूं वो लड़का वहां पर कि आप अविलंब आईजी हेडक्वार्टर से जांच करा लें। वो लड़का वहां नहीं था, उसका मोबाइल कहां था, वो लड़का कहां था, और सीसीटीवी कैमरा में वो लड़का नहीं था। यदि गाड़ी तोड़फोड़ हुई तो उसी दिन केस क्यों नहीं हुआ, 24 घंटे के बाद केस क्यों हुआ, क्योंकि रात में उनको तोड़ना था सीसा। यदि उसके हाथ में चोट लगे तो 24 घंटे के बाद उन्होंने बैंडेज क्यों चढ़ाया, जब वो वहां था ही नहीं उनको, और उससे केस करवाया गया। तो मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं, यदि एक भी वर्कर गाड़ी को टच किया हो और किसी से तुम भी हुआ हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अन्यथा रूढ़ी जी आप राजनीति से संन्यास ले। और मैं चैलेंज करता हूं या तो इसकी जांच सीबीआई से हो या वर्तमान न्यायाधीश से हो या आईजी हेडक्वार्टर से नीतीश कुमार जी करें, मैं मांग करता हूं। बहुत क्लियर है। अब आप इनको कैसे धमकी मिल रहा है ये सुनिए। उनके पीए कौन है, निकालिए। पीए नहीं, उनके जो खास लोग सब हैं वो लोग, पहले तो हम लोग जब गए वहां पे तो हम लोग ऑडियो सुनाए, पहले ऑडियो सुन ली। ऑडियो है जी जी, बहुत बड़ा गाली कहाँ पर? अच्छा, टॉपिक की बात
सबसे बड़ी बात नहीं, आप उनको फोन नहीं करते, आपको फोन नहीं करते, नहीं नहीं सुन 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 आपको बताते हैं, आप ये बताइए फोटो देख लीजिए, ठीक है आपका रिस्पेक्ट करता है, उसने बोल दिया ये इनके घर पर यहीं रहते हैं, ये पटना में अभी है, पटना में अभी है जी प्रताप के रूडी के घर में, जाना है इनको बबलू चोर सामने देखिए फोटो बड़ा करिए, ये बबलू चौबे जी हैं, ये माँ बहन पप्पू यादव को और औकात बता देंगे, दिखा देंगे इनको, गाली दे करके लीजिए ना भैया, बड़ा हो जाएगा पप्पू जी के सामने दिखाई, अब ये सर सामने देखिए, अब इनके तरफ हमारे लोग माँ बहन तो नहीं करेंगे, झंझट करने नहीं जाएंगे, हमारा हमारे माँ बहन को गाली देने से एम्बुलेंस मिल जाए, अब इनको क्या धमकी दिया, आज रूढ़ी जी के दामाद ने इनको क्या लिखा है वो दिखाए, संभल के रहिए अपने दामाद, अभी मैसेज किया है हिसाब से रहिए अपने दामाद, ख्याल रखिएगा, इधर पापा जी की तरफ ख्याल रखिएगा, ये है इसमें ख्याल रखिएगा अपना, रूढ़ी जी के जो अभी शादी हुई है दामाद में, उसका एक जगह रखिएगा, क्या नाम उनका दामाद, अभिमन्यु त्यागी, बंद 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 हो गया मत, अब आप बताइए, तीसरा भी ऑडियो है जिसमें कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मरेगा पप्पू यादव, अभी उसको हम लास्ट बाद में दिखाएंगे, अब रूढ़ी जी खुद उनका आवाज ये अभी नहीं दिखाएंगे, ये आपको कल या परसों आपको सुनाएंगे, वो FIR करेंगे क्या जी, मामले में एफआईआर करेंगे वो, आप एफआईआर करेंगे इनको लगातार, हमको क्या जरूरत है एफआईआर करेंगे, नहीं ये करेंगे, काम करेंगे, अब इनको धमकी मिल रहा है मारने का, बेचारा उनके घर के बगल, ये उनका घर कहाँ घर है, मेरा पुरानी पट्टी घर गांव में, उनका घर कैसे, दोनों का दीवार सटा हुआ है, दोनों का दीवार सटा हुआ, बताइए दोनों आदमी का घर, इनका घर बाएं साइड में इनका दाएं साइड में, बस एक रोड जो गांवी रोड होता है उसका अंतर है, और इतनी धमकी मिल रही है कि कभी भी इनके जान का खतरा है, हम लोग तो बस एम्बुलेंस दिखाने गए थे भैया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हम लोग गए हैं पत्रकार जो भी गए हैं, पत्रकार तीन चार पत्रकार थे, मनोज सिंह, पंकज मिश्रा और कुलदीप महासेठ जो कि लोकल पत्रकार है वहाँ के, उन लोगों से आप पूछ लीजिए या फिर वहाँ के ग्रामीण लोग से पूछ लीजिए, या फिर कुछ भी हम लोग एक शब्द कुछ बोले हों, वहाँ के लोग उल्टे से बोल रहे थे, हम लोग बोले कि भैया हम लोग देख के चले जाएंगे, हम लोग देखे हैं तुरंत निकले हैं भैया, एक उसके बाद 24 घंटे बाद वो लोग केस किए हैं, 24 घंटे के बाद केस, 24 घंटे के बाद होगा, तो पप्पू यादव के मार देने से रूढ़ी जी आपको सकून मिल जाए गाली गलौज करने से, हम जब आप कोरोना में हम लोगों की बात करें कि हम रूढ़ी जी का जवाब देते हैं, अब ऐसे लोग भी जिनको कुत्ता ना पूछे वो भी धमका करके हमारे नाम से गाली गलौज कर रहा हो, तो चलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकारी सारे एम्बुलेंस सर रहे हैं, सरकार अविलंब 72 घंटे के अंदर एम्बुलेंस के चलते जो मौत हुई उस पर केस करे, एम्बुलेंस को सड़कों पर लाए, और एम्बुलेंस की माफियागिरी अभी भी बंद नहीं हुई है पटना में और जगहों पर, 30,000-40,000 रुपया ले रहे हैं, सारा ऑडियो आ चुका है मेरे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।